वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। ड्रग एक्ट 1976 के लास्ट लेक्चर के सेक्शन 3 में कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया गया था। इस लेक्चर में उसी सेक्शन 3 में आने वाली मजीद कुछ और डेफिनेशंस को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है स्पूरियस ड्रग, जिसके माने हैं जाली अद्वियात। स्पूरियस ड्रग्स मीन्स अ ड्रग। अब ये स्पूरियस ड्रग्स से क्या मुराद है, कुछ इसको मजीद बेसिक डेफिनेशन की शक्ल में डिटेल के साथ जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है विच परपोर्ट्स टू बी अ ड्रग बट डज नॉट कंटेन द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ दैट ड्रग। कोई भी ऐसी दवाई जो कि बजाहिर देखने से बिल्कुल दवाई ही लगती है, लेकिन असल में उस दवाई में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, कोई भी खासकर केमिकल जो कि किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है, वो इस दवा में डाला ही नहीं गया, जिस वजह से ऐसी अद्वियात को स्पूरियस यानी कि जाली अद्वियात कहा जाएगा। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है विच परपोर्ट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर प्लेस और कंट्री ऑफ होम और ऑफ विच इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट। कोई भी ऐसी दवाई जो कि ये जाहिर करे कि ये उस कंपनी की तैयार की गई है और उस कंपनी का वजूद फलां जगह पर है, वो कंपनी फलां शहर और फलां मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन दर हकीकत वो कंपनी कोई मौजूद है ही नहीं, उस कंपनी का जमीन के ऊपर किसी भी तरह का कोई वजूद ही मौजूद नहीं है, ना ही वो किसी मुल्क किसी जगह के अंदर मौजूद है और ना ही वो कंपनी का कोई नाम है। ये सब चीजें जाली तौर पर उस दवाई के लेबल के ऊपर लिखी गई हैं, तो लिहाजा इस तरह की अद्वियात जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती और अपना कोई वजूद नहीं रखती, इस तरह की अद्वियात को भी स्पूरियस यानी कि जाली अद्वियात ही कहा जाता है। स्पूरियस ड्रग्स की तीसरी डेफिनेशन है विच इज इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड और सोल्ड और ऑफर्ड और एक्सपोज्ड फॉर सेल अंडर अ पर्टिकुलर नेम व्हाइल एक्चुअली इट इज अनदर ड्रग। कोई भी ऐसी दवाई जो कि किसी और दवाई का नाम इस्तेमाल करे, यानी कि कोई भी ऐसी दवाई जो कि दर हकीकत किसी और कंपनी का नाम इस्तेमाल करके दरामद की जा रही हो, बरामद की जा रही हो, या फिर उसको बेचा जा रहा हो, या फिर बेचने की गरज से उसकी पेशकश की जा रही हो, या फिर उसको फरोख्त किया जा रहा हो, लेकिन हकीकत के अंदर उस दवाई की कोई हकीकत नहीं है, ना ही उसका कोई नाम रजिस्टर्ड है, ये असल में किसी दूसरी दवाई का नाम इस्तेमाल करके इस मुल्क के अंदर या फिर बेची जा रही है या फिर बाहर किसी दूसरे मुल्क में सेल की जा रही है, तो लिहाजा इस तरह की गैर रजिस्टर्ड और गैर मियारी अद्वियात को भी स्पूरियस यानी कि जाली अद्वियात ही कहा जाता है। नंबर 4, द लेबल ऑफ विच बियर्स द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी परपोर्टिंग टू बी इट्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर विच इंडिविजुअल्स और कंपनी इज फिक्टियस और डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी ऐसी दवाई जिसके लेबल के ऊपर किसी फर्द या फिर किसी कंपनी का नाम बतौर कंदा दर्ज कर दिया गया हो, यानी कि वो कंपनी जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, लेकिन उस कंपनी का नाम किसी गैर जरूरी दवा ने इस्तेमाल कर लिया है और अपनी दवाई के ऊपर उस रजिस्टर्ड कंपनी की डिटेल लिख ली है, जबकि आपकी अपनी बनाई हुई दवाई कोई रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही वो कंपनी के अंदर तैयार की गई है, यानी कि कोई फर्जी नाम रख दिया गया है जिसका वजूद ही मौजूद नहीं है, लिहाजा इस तरह की अद्वियात को भी जाली अद्वियात कहा जाता है। काउंटरफीट ड्रग्स। काउंटरफीट ड्रग मीन्स a drug the label or outer packing of which is an imitation or resemble or so nearly resemble as to be calculated to deceive the label or outer packing of a drug
ऑफ एनदर मैन्युफैक्चर। काउंटरफीट ड्रग्स से मुराद असल में वो अद्वियात हैं जिसका लेबल या फिर बैरूनी पैकिंग किसी दवाई की नकल हो। वो कंपनी जिसकी दवाई पहले से मौजूद है और रजिस्टर्ड भी है, इस कंपनी ने उस दवाई को नकल किया है, उसका नाम चोरी किया है, या फिर अगर नाम चोरी नहीं भी किया तो उसकी तमाम तर लेबल के ऊपर बनाए जाने वाले खूबसूरत कलर्स, खूबसूरत डिजाइन और लिखे जाने वाली तमाम डिटेल को कॉपी कर लिया है, यानी कि दवाई की मुकम्मल तौर पर नकल की गई है या फिर ये दवाई उससे बिल्कुल मुतशाबिया है, उससे देखने में एक जैसी लगती है और बिल्कुल अगर दो अद्वियात एक साथ रखी जाएं तो दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाए कि कौन सी दवाई असल कंपनी की है और कौन सी दवाई नकल कंपनी की है। तो लिहाजा बैरूनी इतराफ में जो पैकिंग और लेबलिंग की जाती है, अगर वो लेबलिंग और पैकिंग भी किसी दूसरी कंपनी के साथ एक जैसी हो, उनके साथ मिलती हो, तो इस तरह की अद्वियात को काउंटरफीट ड्रग्स कहा जाता है। सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। सब स्टैंडर्ड मीन्स अ ड्रग विच इज नॉट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कमतर या फिर कमतर मियार की अद्वियात। ये वो अद्वियात होती हैं जो कि असल में किसी भी किताब के मुताबिक नहीं बनाई जाती। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन से मुराद है वो तमाम तर रजिस्टर्ड किताबें जिसके मुताबिक अद्वियात बनाई जाती हैं, जैसा कि USP, DP, IP और पाकिस्तान फार्माकोपिया। अगर अद्वियात को इन किताबों के मुताबिक नहीं बनाया गया तो इस तरह की अद्वियात को भी सब स्टैंडर्ड यानी कि कमतर और गैर मियारी अद्वियात कहा जाता है। बैच। बैच मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर। बैच से मुराद है किसी भी दवाई की वो खास मिकदार जो कि किसी भी तयशुदा अमल के दौरान तैयार की जाती है, इसको हम बैच कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक क्लास के अंदर बैठाए जाने वाले तमाम तालबे इलम एक ही बैच से तल्लक रखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई फार्मेसी का स्टूडेंट इस लेक्चर को ले रहा है तो आपका तल्लक भी किसी बैच से के साथ हो सकता है। आप 2018 बैच, 2019 बैच, 20 बैच, 2021, 2022, 2023 या फिर आने वाले 2024 बैच के स्टूडेंट हो सकते हैं। आपकी क्लास में बैठे जाने वाले तमाम तालबे इलम एक ही बैच के साथ तल्लक रखते हैं, क्योंकि आप सबका दाखला एक ही जगह पर किया गया है, एक ही सेक्शन में किया गया है और आपका इम्तिहान भी एक ही साथ होगा। लिहाजा इसी तरह अद्वियात के भी बैचेज होते हैं। ज्यादा सारी क्वांटिटी के अंदर जब एक ही बार अद्वियात को एक ही तरीक़ाकार से और एक ही वक्त में बनाया जाता है तो इस तरह से एक ही साथ में तैयार की जाने वाली अद्वियात को बैच कहा जाता है। बैच नंबर। बैच नंबर मीन्स अ डिजाइनेशन प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग दैट आइडेंटिफाइज द बैच एंड परमिट्स द प्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ द बैच इंक्लूडिंग ऑल स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड कंट्रोल टू बी ट्रेस्ड एंड रिव्यू। जब भी अद्वियात का कोई बैच तैयार किया जाता है तो उस बैच को तैयार करते हुए उस बैच का एक नंबर मुख्तस कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि एक ही क्लास में बैठे जाने वाले तमाम तालबे इलम को एक बैच नंबर दे दिया जाता है, जैसा कि 2019, 2020 बैच, इसी तरह अद्वियात को भी बैच नंबर दे दिया जाता है जो कि किसी भी दवा के लेबल पर बैच की शिनाख्त के लिए उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है, जिससे इस बैच की तैयारी और इस पर किए जाने वाले तमाम तर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और इसमें आने वाले तमाम मराहिल और हर वो चीज़ जो कि हर इस बैच के ऊपर की जाती है और इसका जायज़ा लेने के लिए इसके ऊपर तमाम तर इम्प्लीमेंटेशन की जाती हैं, लिहाजा इसको एक नंबर दे दिया जाता है ताकि बाद में अगर इसकी कोई वेरिफिकेशन करनी हो,
कोई इंक्वायरी करनी हो या किसी भी तरह का कोई जायजा लेना हो तो इस बैच नंबर से हम इस बैच की तमाम तर हिस्ट्री निकाल सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट की डिटेल लेनी हो तो हम उससे पूछते हैं कि आपका बैच कौन सा है, और जब वो बच्चा ये बताता है कि मेरा तल्लक सन 2020 बैच के साथ है तो फौरन से उस बैच का डेटा निकाल लिया जाता है और उसके बाद उस बच्चे के रोल नंबर से उस बच्चे की डिटेल निकाल ली जाती है। बिल्कुल इसी तरह अद्वियात के भी बैच और बैच नंबर्स होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लगी हुई साथ में एक तस्वीर दिखाई गई है और इस तस्वीर के अंदर आपको रेड कलर के मार्क के साथ बैच नंबर लिखा हुआ दिखाया गया है, जो कि ये जाहिर करता है कि जब इस दवाई को बनाया गया था तो उसका बैच ये था और उस बैच को ये वाला नंबर दिया गया था ताकि अगर कोई भी शख्स इस अद्वियात की वेरिफिकेशन या कोई भी इंक्वायरी करना चाहता हो तो वो इस बैच नंबर से आसानी के साथ कर सकता है। एक्सपायरी ड्रग्स। एक्सपायरी डेट मींस द डेट स्टेटेड ऑन द लेबल ऑफ अ ड्रग आफ्टर विच द ड्रग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स क्लेम एफिकेसी सेफ्टी क्वालिटी और पोटेंसी और आफ्टर विच इट इज नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग। एक्सपायरी डेट जिसको इख्तितामी तारीख भी कहा जाता है और ये दवा के ऊपर लाजमी से दर्ज की जाती है। एक्सपायरी डेट असल में वो डेट होती है जिसके बाद कोई भी दवाई अपनी ताकत अपनी असर पजीरी अपना मियार और अपना महफूज होने का जो दावा होता है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर चुकी होती है। यानी कि ये दवाई इस तारीख के बाद बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स इस दवाई को इस तारीख के बाद इस्तेमाल करेगा तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। लिहाजा ऐसी वो तमाम अद्वियात जो कि एक्सपायर हो चुकी होती हैं, जिनकी तारीख गुजर चुकी होती है, ऐसी अद्वियात को मार्केट में फरोख्त करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। और एक्सपायरी डेट हर एक दवाई के लेबल के ऊपर और दवाई के ऊपर लाजमी से प्रिंट की जाती है। जैसा कि आपको साथ में लगी तस्वीर में यहाँ पर वाजिया तौर पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई नजर आ रही है, जहाँ पर लिखा हुआ 6/2025, जो कि जाहिर करती है कि ये दवाई जून 2025 के बाद बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है क्योंकि ये अपना ड्यूरेशन कंप्लीट कर चुकी है। आपको इस एक्सपायरी डेट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई नजर आएगी, जो कि 6/2023 है। यानी कि इस दवाई को आप जून 2023 से लेकर जून 2025 तक बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जून 2025 के बाद अगर आप इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे और ऐसी अद्वियात को तारीख गुजर जाने के बाद बिल्कुल भी फरोख करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम मीन्स द नॉन प्रोप्राइटरी साइंटिफिक और ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग एज अप्रूव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। जेनेरिक नेम ऐसे नामों को कहा जाता है जो कि किसी की मलकियत नहीं होते, और वो नाम जो कि साइंसी बुनियादों पर दिए जाते हैं या फिर वो नाम जो कि सरकारी सतह पर अद्वियात को दिए जाते हैं और जिनको वफाकी हुकूमत की तरफ से रजिस्टर्ड करवाया जाता है, ऐसे नामों को जेनेरिक नेम कहा जाता है। जैसा कि आपको साथ में लगी एक दवाई की तस्वीर दिखाई गई है जिस दवाई का ब्रांड नेम है फेमिकॉन और इस दवाई का जेनेरिक नेम है फ्लोरोमेथोलोन और टेट्राहाइड्रोजोलिन, जो कि सुर्ख रंग के डिब्बे के अंदर वाजिया करके आपको फेमिकॉन दवाई का जेनेरिक नेम दिखाया गया है। गवर्नमेंट एनालिस्ट। सरकारी तजिया कार। गवर्नमेंट एनालिस्ट मीन्स अ फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 16। गवर्नमेंट एनालिस्ट जिसको सरकारी तजिया कार कहा जाता है, इससे मुराद है वफाकी या फिर सूबाई हुकूमत की तरफ से ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 16 के तहत
जिस बंदे की तकरीरी की जाती है, जिसको हुकूमत की तरफ से नौकरी पर रखा जाता है, ऐसे शख्स को गवर्नमेंट एनालिस्ट कहते हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मीन्स अ फेडरल इंस्पेक्टर और अ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17। इंस्पेक्टर से मुराद वो शख्स है जिसको वफाकी हुकूमत की तरफ से या फिर सूबाई हुकूमत की तरफ से बतौर इंस्पेक्टर हायर किया जाता है, जिसकी तकरीरी ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 17 के अंडर बतौर वफाकी इंस्पेक्टर या फिर सूबाई इंस्पेक्टर की जाती है, ऐसे शख्स को ड्रग इंस्पेक्टर कहा जाता है। लेबल, लेबल मीन्स अ डिस्प्ले ऑफ रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन द इमीडिएट कंटेनर और द आउटसाइड कंटेनर और रैपर ऑफ अ ड्रग पैकेजिंग। लेबल से मुराद वो तमाम तर मालूमात हैं जो कि किसी भी दवाई के कंटेनर के बैरूनी इतराफ में लिखी जाती हैं या फिर प्रिंट की जाती हैं या फिर उनको ग्राफिक की शक्ल में कंटेनर के बैरूनी इतराफ में लिखा जाता है। किसी भी तरह की मालूमात को कंटेनर के बैरूनी इतराफ में या दवाई की बैरूनी पैकिंग में लेबल की शक्ल में लिखना, ये सब लेबल कहलाता है। लेबलिंग, लेबलिंग मीन्स ऑल द लेबल्स एंड अदर रिटन, प्रिंटेड ग्राफिक मैटर अकॉम्पेइंग एनी ड्रग। लेबलिंग से मुराद वो तमाम लेबल और तहरीरी मतालिया होता है या फिर वो ग्राफिक मवाद जो कि किसी भी दवाई के हमरा दिया जाता है। किसी भी दवाई के डब्बे के अंदर किसी भी तरह का कोई मकाला रखना, किसी भी कागज के ऊपर प्रिंट करके उस दवाई की डिटेल अंदर रख देना, ये लेबलिंग कहलाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर एक दवाई जिसका नाम फेमिकोन है, ये दिखाई गई है। इस दवाई की बैरूनी इतराफ की पैकिंग को आप देख रहे हैं जो कि लेबल कहलाती है। इस लेबल के ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखा गया है, उसके बिल्कुल नीचे इस दवाई की मिकदार को लिखा गया है, दवाई का ब्रांड और उसके बाद जेनेरिक नाम को लिखा गया है, इस दवाई को कौन से मकसद के लिए बनाया गया है यानी कि ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन है जो कि आंखों के अंदर डाली जाती है। इसी तरह बिल्कुल नीचे दोबारा फिर से स्टीराइल ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स यानी कि उस दवाई की डिटेल लिखी गई है और आखिर मर उस दवाई को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम और उसकी लोकेशन को बताया गया है। इसी तरह इस दवाई के पैकिंग की दूसरी साइड यहाँ पर दिखाई गई है जिसके अंदर भी मजीद उस दवाई की कुछ डिटेल लिखी गई है। इसी तरह इस दवाई की तीसरी तरफ जो आपको चीज दिखाई गई है वो यही पहले वाली जो तस्वीर है उसको उर्दू में तर्जमा करके दिखाया गया है ताकि कोई भी ऐसा शख्स जो कि इस दवाई को इस्तेमाल करता हो अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो उर्दू में इसको पढ़ सकता है। इसको हम लेबल और लेबलिंग कहते हैं। एक्सपोर्ट, विद इट्स ग्रामेटिकली वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस मीन्स टू टेक आउट ऑफ पाकिस्तान बाय सी, लैंड और एयर। एक्सपोर्ट जिसके लुगवी मैनी है बरामद करना। एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी दवाई या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि खुश्क रस्ते से या फिर बहरी जहाज के जरिए या फजाई जहाज के जरिए पाकिस्तान के बाहर भेजी जा रही हो, वो अद्वियात जो कि पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क में भेजी जा रही हो, चाहे वो समुंदर के जरिए भेजें, खुश्की के जरिए भेजें या बस के जरिए भेजें, तो ऐसी चीजों को हम एक्सपोर्ट ही कहते हैं। इसके बाद इम्पोर्ट, विद इट्स ग्रामेटिकली वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस मीन्स टू ब्रिंग इनटू पाकिस्तान बाय सी, लैंड और एयर। इम्पोर्ट का मतलब होता है दरामद करना, यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी दवाई जो कि पाकिस्तान के अंदर लेके आ रही हो, यानी कि चाहे आप समुंदर के जरिए पाकिस्तान लेकर आए, चाहे आप खुश्की के जरिए लेकर आए या फिर हवाई जहाज के जरिए ही क्यों ना उसको पाकिस्तान के अंदर लेके आए, तो इस तरह की चीजों को हम इम्पोर्ट कहते हैं। मैन्युफैक्चर जिससे मुराद है अद्वियात को बनाना। मैन्युफैक्चर को डिटेल के साथ जानने के लिए
पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू अ ड्रग मींस ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ ड्रग इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग कंपाउंडिंग फॉर्मुलेटिंग फिलिंग पैकिंग रीपैकिंग ऑल्टरिंग ऑर्नामेंटिंग फिनिशिंग एंड लेबलिंग विद अ व्यू टू इट्स स्टोरेज सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चर जिसको हम अद्वियात की तैयारी कहते हैं, अद्वियात की तैयारी से क्या मुराद है? तमाम तर वो पैदावारी मराहिल जो कि अद्वियात के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर शामिल है अद्वियात की प्रोसेसिंग करना, उसके बाद अद्वियात की कंपाउंडिंग करना यानी कि तमाम तर चीजों को इकट्ठा करना, और उसके बाद ये जानकारी करना कि कौन सी अद्वियात के केमिकल्स को मिक्स कर सकते हैं और कौन से केमिकल्स को मिक्स नहीं किया जा सकता। देन फॉर्मुलेटिंग यानी कि उनका फार्मूला बनाना और फार्मूले के मुताबिक तमाम चीजों की डिटेल लिखना। फिलिंग तमाम चीजों को रीपैक करना, उनको फिल करना, या फिर अद्वियात बनाने के बाद उनकी पैकिंग करना, या फिर पैकिंग करने के बाद दोबारा फिर से उनके ऊपर एक और पैकिंग यानी कि रीपैकिंग करना, किसी भी चीज को तब्दील करना, ऑर्नामेंटिंग या फिर किसी भी चीज की नमाइश करना, फिनिशिंग किसी भी चीज का इख्तितामी मरहला देखना और उसके बाद उनको लेबल करना, अद्वियात को महफूज करने की गरज से देखना, फरोख्त करना या फिर उनकी तकसीम करना, ये सब चीजें मैन्युफैक्चर के अंदर शामिल हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैन्युफैक्चर के अंदर शामिल नहीं है। द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग और द पैकिंग ऑफ एनी ड्रग, किसी भी दवाई की दोबारा फिर से कंपाउंडिंग करना या फिर उसकी जो है डिस्पेंसिंग करना या फिर अद्वियात की पैकिंग करना, ये सब चीजें जो कि रिटेल बिजनेस के ऊपर की जाती हैं, यानी कि जब हम फार्मेसी के ऊपर खड़े होते हैं, वहां पर खड़े होकर जब किसी भी मरीज को दवाई देनी होती है और उस अमल के दौरान किसी भी दवाई को दोबारा फिर से मिक्स करना या फिर निकाल के अपने मरीज को किसी और शक्ल में देना या फिर दोबारा से अपनी मर्जी से उन अद्वियात की पैकिंग करना, ये सब चीजें मैन्युफैक्चर का हिस्सा नहीं है। और ऑन अ प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डेंटिस्ट और ऑफ अ वेटरिनेरियन टू अ मैन्युफैक्चर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली, कोई भी पर्ची जो कि किसी भी डॉक्टर की तरफ से या फिर किसी भी दांतों के डॉक्टर की तरफ से या फिर किसी भी DVM यानी कि जानवरों के डॉक्टर की तरफ से कोई भी ऐसी पर्ची दी गई हो जिसके मुताबिक इस दवाई को कुछ कंपाउंड करना जरूरी है या फिर एक नए केमिकल को डाल के इस दवाई को बनाना जरूरी होता है, तो लिहाजा अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल पर्सन, कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर ये एडवाइस देता है तो उसकी एडवाइस के ऊपर इन अद्वियात की कुछ कंपाउंडिंग की जा सकती है, लेकिन हम इनको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है एक मुकम्मल तरीक़ाकार से अद्वियात को तैयार करना, जबकि पर्ची के ऊपर हमने लिखी हुई हदायात के ऊपर सिर्फ अमल किया है, हमने अद्वियात को तैयार नहीं किया। लिहाजा यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो चीजें आपको बताई गई हैं, ये मैन्युफैक्चर के अंदर शामिल नहीं है। ड्रग एक्ट 1976 के सेक्शन 3 में जो कि बेसिक डेफिनेशंस पर मुश्तमिल था, ये सेक्शन यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको बेसिक डेफिनेशंस की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।